A man who led an exemplary life with tremendous dedication to family, society and profession. A tribute to our beloved Bade Papa, Shri N.M. Ranka. एक साधारण परंतु सैद्धांतिक धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्या बात है समाज परिवार से आया हूं और मुझे फक्र है कि मेरे पिताश्री भी इसी व्यवसाय में रहे और मुझे खुशी है कि 700 से 800 आर्टिकल्स वाह मैंने लिखे हैं और 500 के करीब पब्लिश भी हुए हैं क्या बात है नेशनल लेवल के ऊपर क्या बात है मुझे ये कहना कि मैं टैक्स प्रोफेशन का भीष्म पितामह हूँ यह सही नहीं है सही तो ये है मैं एक कार्यकर्ता हूँ कार्यकर्ता था कार्यकर्ता रहूँगा नई पीढ़ी को जी अधिवक्ता को जी मैं जरूर ये कहना चाहूँगा जी सरल रहें सहज रहें सौम्य रहें सहयोग की भावना रखें सेवा का भाव रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें क्या बात है कि अनेक सामग्रियां नहीं होकर के सीमित हो क्या बात है और मैंने अपने जीवन में ये भी कर रखा है कि 21 पदार्थ से ज्यादा वाह एक दिन में मैं नहीं लेता क्या बात है और उसमें भी एक सिटिंग में 7 से ज्यादा पदार्थ आपने मैं लेने का प्रयत्न नहीं कर ये भी सर्वांगीण विकास व्यक्ति के रूप में हो और जीवन इस तरह से जिए कि हमें इस संसार में आने का एक आभास रहे कि हमने आकर के एक संतोष प्राप्त किया माथुर साहब मैं 82 साल का नहीं हूं मैं 62 साल का हूं और 20 साल का मुझे अनुभव है क्या बात है राजस्थान कर सलाहकार संघ का तीसरा अधिवेशन 1983 में जयपुर में हुआ था भले ही इस बात को 3 दशक से ज्यादा हो चुके लेकिन गरिमा मेहमान नवाजी और प्रतिभागियों के उत्साह ने इसे इतना अनूठा बना दिया था कि मन आज भी उस दौर के दृश्य देखने को लालायित हो जाता है जयपुर में ही एक बार फिर सन 2000 में राष्ट्रीय कर सम्मेलन का आयोजन हुआ इसका मुख्य विषय था नए परिवेश में कराधान 23 से 25 दिसंबर 2000 तक बिरला सभागार में हुए इस सम्मेलन का शुभारंभ किया अपने कला प्रेमी राजस्थानी होने की मान्यता का निर्वहन हर आयोजन में दिखाई देता है पुराने आयोजनों की तस्वीरें
अब भले ही धुंधली हो चली हैं, लेकिन उनकी भावना में आज भी वही जोश है, वही जज्बा है, वही रवानी है।